वेलकम फ्रेंड्स, इन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देख रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में सबसे पहला टर्म हम देखते हैं सेट। सेट किसे कहते हैं? तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट, it is an unordered collection of objects called elements or members of a set. Set क्या होता है? Set एक unordered objects का collection होता है कि बहुत सारे objects है, हमने उसको किसी भी set के अंदर हमने consume कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं? Set कहते हैं। Set के example क्या होता है? Computer और mobile phones में हम देखते हैं कि folders होते हैं। Folders के अंदर different files होती है, तो वो जो फोल्डर है, फोल्डर को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। उसके बाद क्या कीजिए डेफिनेशन? अ सेट इज सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट्स। कि सेट किसे कहते हैं? सेट एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम यहाँ पर एक थोड़ा चेंज करें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिमिलर हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सेट के अंदर नहीं हो सकते। अब सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? जनरली सेट को इस तरह से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है सेट बी। ये बी जो है सेट का नाम है। सेट बी कंटेन्स अल्फाबेट्स। ये जो सेट बी है उसके अंदर क्या है? हमारे पास अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स कौन से हैं? सो ये हो जाएगा बी, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हम सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी ई, इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे? ये अल्फाबेट्स हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? जनरली हम डिनोट करते हैं जो अपर केस होता है। अपर केस लेटर्स जो होते हैं उससे हम सेट को डिनोट करते हैं, और जो लोअर केस होते हैं, जो लोअर केस लेटर्स होते हैं उससे हम जनरली एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। जैसे ये भी है, ये अपर केस है, ये अपर केस से हम क्या डिनोट करते हैं? सेट को डिनोट करते हैं, और लोअर केस से हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अब ये जो मेथड है कि हर एक एलिमेंट को शो करना, यानी हर एक एलिमेंट को लिस्ट करना, इसे हम क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेट मेरे पास M है। सेट M के अंदर क्या है? मेरे पास 1 टू 10 तक नंबरिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी जो सेट M है तो ये 1 से 10 तक मैंने सारी एलिमेंट्स को लिखा है। तो ये हर एक एलिमेंट अगर सेट के अंदर है, इट मीन दैट ये हम किस मेथड से शो कर रहे हैं? इस मेथड को हम रोस्टर मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? रोस्टर मेथड। सेट को डिनोट करने के लिए दो मेथड होती है। तो पहली मेथड कौन सी है? रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड के अंदर हम हर एक एलिमेंट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और सेट हम बनाते हैं, 0 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर थे वो सेट भी कंटेन करता है। तो 0 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, और 10 भी है इवन नंबर है। तो सेट पी क्या हो जाएगा? 0 2 4 6 8 एंड 10। तो ये क्या हो जाएगी? रोस्टर मेथड हो जाएगी सेट को डिनोट करने के लिए। तो ये हो गई रोस्टर मेथड कि हम सेट क्या होता है और एलिमेंट्स किसे कहते हैं। सेट को जनरली हम अपर केस से डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लोअर केस लेटर से हम डिनोट करते हैं। अब सेट के अंदर क्या होते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। सेट के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट एस है, तो एस के अंदर 1 है, ए है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है इंदौर, तो ये क्या है? ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर क्या होना चाहिए? सिमिलर एलिमेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये जो 1 है, 1 का डेटा टाइप अलग है। 1 क्या है? न्यूमेरिक है। ए का डेटा टाइप भी अलग है, ये इंदौर का डेटा टाइप भी अलग है। तो सेट के अंदर क्या होते हैं? सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब हम देखते हैं इसको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी मेथड कौन सी है। सो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है रोस्टर मेथड, सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड हमने देखी,
फॉर एग्जाम्पल सेट ए से जो कि 1 से लेके 10 तक के और नंबर्स को कंटेन करता है, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या होगा, सेट एस हो गया। एक ऐसा ही सेट बी है, सेट बी क्या करता है, अल्फाबेट के ओवर को कंटेन करता है, सो ए टी आई ओ यू ये क्या हो गया, वोवेल्स का एक सेट हो गया। तो ये कौन सी मेथड हो गई, रोस्टर मेथड हो गई। सेट डी में हमारे पास क्या है, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4 इस तरह मुझे 100 तक लिखना पड़ेगा, तभी क्या रोस्टर मेथड यही कहती है कि हर एक एलिमेंट को कॉपी करो, रिप्रेजेंट करो, लिस्ट करो। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4 के बाद हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, डॉट 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 अप टू 100। तो ये भी क्या है, रोस्टर मेथड का एक तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, सेट ए के अंदर क्या सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, ये क्या है, सेट ऑफ सिटीज हो गया। तो सेट के अंदर क्या है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि सिमिलर एलिमेंट्स होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट्स जो है कि डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इससे पहले हमने कहा सेट एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ए है एंड कोलकाता, सो ये क्या है, ये एक सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, हमें सेट के अंदर क्या होना चाहिए, सिमिलर एलिमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर ये कि सिटीज है तो सारे ही सिटीज होना चाहिए, यहाँ पर नंबर है तो सारे नंबर होना चाहिए, यानी कि डेटा टाइप जो है वो सेट का सेम होना चाहिए। अंडरस्टैंड, अगर डेटा टाइप सेम नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट का सेट, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक क्वेरी गिवन है, राइट ऑल द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 15, कि 15 से छोटे जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है उसे उसका मुझे एक सेट बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, रोस्टर मेथड में एक ग्रुप करते हैं, फॉर एग्जांपल सेट का नाम मैंने ले लिया ई, सेट ई के अंदर सारे ऑड नंबर्स हैं, सो ई में हम क्या करेंगे, रोस्टर मेथड होती है हम क्या करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, या फिर डॉट डॉट करते हुए हम 15 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 और 15 के बीच में कौन कौन ऑड है ये हमें पता नहीं चलता, तो उसके लिए हमने क्या किया, सेट बिल्डर मेथड निकाली। सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर मेथड के हमने अंदर हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर में हमें क्या करना है, पहले तो सेट का नाम लिखना है, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हमें एलिमेंट लेंगे एक्स, और फिर क्या करेंगे, एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या है, एक और पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 15 से छोटे जितने भी और पॉजिटिव इंटीजर थे वो सब क्या है, एक्स है। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, अब एक्स के अंदर हमारे क्या सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये क्या है कि हमारे पास अगर ज्यादा एलिमेंट्स हो तो उनको डिफाइन करने का तरीका है, सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन गिवन है, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100, ये 100 से छोटे जितने भी 3 के मल्टीपल्स है उन सबको हमें क्या करना है, सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। सो सॉल्यूशन भी क्या ले लेंगे, कोई भी एक सेट ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेट के लिए हमें, सेट के अंदर क्या आएंगे, 3 के सारे मल्टीपल, 3 के मल्टीपल्स कौन सा होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। तो रोस्टर में जब हम क्या करते हैं, 3, 6, 9, 12 up to 99 तक हम लिखते हैं, हर एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। लेकिन सेट बिल्डर में हमें क्या करना है, सेट बिल्डर में हमें एंटिटी एक्स लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स इज मल्टीपल ऑफ, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, उसके बाद क्या लिख देंगे, लेस देन 100, 100 से छोटे 3 के जितने मल्टीपल्स है वो क्या है, एक्स है।
अंडरस्टैंड क्लियर, आई होप दैट ये दोनों मेथड आपको समझ में ही होगी। तो ये हमने देखा सेट थ्योरी का इंट्रोडक्टरी पार्ट कि सेट किसे कहते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करने के जो दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर मेथड होती है और दूसरी सेट बिल्डर मेथड होती है। सो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में ही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।